नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे कुछ अहम खबरों के साथ में। हाथरस की सच्चाई छिपाने में जुटा है पुलिस महकमा। पीड़िता के गांव में विपक्ष, मीडिया की एंट्री बैन है। पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया। गांव के लोगों को बाहर निकलने नहीं दिया जा रहा। आखिर पुलिस छुपाना क्या चाह रही है, पुलिस महकमा क्या छुपाना चाह रहा है? ये सवाल बार बार इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि मीडिया की एंट्री को बैन कर दिया गया। अब तक ये हो रहा था कि परिवार वालों से बातचीत की जा रही थी, और कल आपने सुना डीएम जिस तरीके से लोगों के उनके घर में मौजूद थे और उनसे बातचीत कर रहे थे और उनको धमका रहे थे, उनको बता रहे थे कि या तो उनकी बात को मान लिया जाए वरना मीडिया तो आज है कल चला जाएगा, उसके बाद हम ही होंगे, ऐसा ना हो कि हमारा भी दिमाग बदल जाए या हम भी बदल जाए। ये कहकर डीएम प्रशासन की बात को वहां पर कन्वे कर रहे थे और परिवार के ऊपर दबाव बना रहे थे। उसके बाद में आपने देखा कि एक और परिवार के सदस्य का बयान सामने आता है। वो कहते हैं कि उनके पिताजी पर बहुत ज़्यादा दबाव बनाया जा रहा है बयान बदलने को लेकर। ऐसी स्थिति में तो वो यहाँ रह नहीं पाएंगे, और वो क्या रह पाएंगे, उनको वहाँ पर रहने नहीं दिया जाएगा। इसी तरीके से अगर पीड़िता के बयानों को भी देखा जाए तो पीड़िता का एक बयान जिसमें वो ये कहती है कि हाँ उसके साथ में रेप हुआ है, लेकिन उसके बाद उसका बयान बदला नजर आता है। पुलिस प्रशासन ने पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है, और कई पत्रकारों के साथ में जो पुलिस कर्मचारी है उनका व्यवहार जो आज सामने आया वो भी बेहद शर्मनाक था। गांव वालों को बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, पूरे के पूरे गांव को छावनी में तब्दील कर दिया है। यहां तक कि पुलिस के पास में कोई ऑफिशियल ऑर्डर किसी को रोकने का नहीं है, लेकिन ये कहकर कि हम लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ये कार्रवाई कर रहे हैं। सारे मीडिया को बैन कर दिया गया है, कोई भी गाँव में या फिर परिवार वालों तक नहीं पहुँचने दिया जा रहा। यहाँ तक कि इससे पहले भी बैरिकेडिंग की गई थी, और जब भी कोई गाँव वाला अंदर एंट्री कर रहा था उसे भी पूरी पूछताछ की जा रही थी। और अगर अभी की बात करते हैं तो अभी भी जो ग्रामीण हैं उनको अब गांव से बाहर ही नहीं आने दिया जा रहा, गांव के लोगों को निकलने नहीं दिया जा रहा है बाहर। सवालों के घेरे में है इस वक्त हाथरस पुलिस। आखिरकार ऐसा क्या छुपाया जा रहा है? गैंगरेप की बात कबूली जाती है लड़की द्वारा। केवल सम्मान पाया है, कोई भी इस वक्त सवालों के घेरे में आ चुकी है हाथरस पुलिस। बार बार पहले तो पुलिस की जो कार्रवाई थी उस पर ही सवाल उठ रहे थे, और अब सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आम तौर पर भी ऐसे न जाने कितने ही केसेस सामने आए हैं। यहां तक कि दिल्ली के उस दामनी रेप कांड को कौन भूल सकता है। उस गैंगरेप के दौरान में भी परिवार के साथ में बातचीत का पूरा मौका दिया जा रहा था। वहां पर भी जो पुलिस की लापरवाही थी वो सामने आई थी, लेकिन उसके बावजूद भी परिवार वालों से मिलने से किसी को रोका नहीं गया था। लेकिन इस बार क्या, हाथरस में आखिरकार परिवार वालों से मिलने से क्यों रोका जा रहा है? शुभम गुप्ता मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं हाथरस से। शुभम, हाथरस में इस वक्त क्या स्थिति है? मीडिया को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही, विपक्ष को अंदर एंट्री नहीं दी जा रही, लॉ एंड ऑर्डर के नाम पर गांव वालों को गांव से बाहर नहीं आने दिया जा रहा। जी बिल्कुल, आपको बता रहे हैं इस समय हम यहाँ मौजूद हैं। यहाँ पर देखिए, आप ये देख सकते हैं कि किस तरह से ये राजनीतिक लोग भी आए हुए हैं, और सभी पार्टियों के लोग हैं, ये पीस पार्टी के लोग भी हैं, ये अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनको के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। शुभम, अभी तक क्या वहाँ पर पुलिस फोर्स जो तैनात है उनके पास कोई ऑफिशियल ऑर्डर है लोगों को रोकने के लिए? जी बिल्कुल, जब पुलिसकर्मी एक भी किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, मीडिया को भी अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। जब मीडिया का अंदर जाने की पुलिस की तो उनके साथ ही बसपन भी की जा रही है। पता नहीं प्रधान में क्या लगता है, वो कर्मी क्या कर्मी सफाई जा रही है, इसमें अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। यहाँ पर तमाम नेता मौजूद हैं। शुभम, मैं चाहूंगी जरा तस्वीरें आप और ठीक तरीके से हमारे दर्शकों को दिखाएं, ताकि हाथरस के डीएम प्रवीण कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुआ, जिसमें वो पीड़ित परिवार को कल धमका रहे थे और परिवार से बातचीत करते हुए ये कह रहे थे कि मीडिया आज है लेकिन कल नहीं होगा, आज कुछ कम हुए हैं कल कुछ और कम होंगे, शाम तक इक्का दुक्का रह जाएंगे, उसके बाद में परिवार के पास में सिर्फ वो लोग रह जाएंगे। ऐसे में अगर उनकी बात को नहीं माना जाता है तो फिर ऐसा ना हो कि वक्त से पहले उनका भी कहीं दिमाग बदल जाए।
परिवार वालों के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश डीएम महोदय कर रहे थे। आखिरकार ऐसा क्या है कि परिवार के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है, परिवार को बार बार उनके बयान बदलने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यहाँ तक कि पीड़िता के बयान में भी शुरुआती दौर में जब उससे बातचीत की गई तो उन्होंने इस बात को कबूला था कि गैंगरेप उनके साथ में हुआ है, लेकिन उसके बाद में दूसरा एक और बयान सामने आता है और फिर जो रिपोर्ट सामने आती है पोस्टमार्टम की, उसमें भी ये कहा जाता है कि उसके साथ में कोई गैंगरेप नहीं हुआ और जो गला उसका दबाया गया था, गला दबाने के कारण उसकी मौत हुई थी, कार्डियक अरेस्ट की वजह से उसकी मौत हुई थी। शुभम लगातार मेरे सहयोगी बने हुए, शुभम हम लगातार देख रहे हैं कि काफी पुलिस फोर्स यहां पर तैनात है, कितनी तादाद में यहां पर पुलिसकर्मी इस वक्त मौजूद हैं? जी कम से कम यहां पर कई जिलों की फोर्स आई हुई है और ऐसे पीएसी भी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से यह पुलिसकर्मी लगे हुए हैं, ये सुबह से यहाँ लगे हुए, तीन दिन से लगातार यहाँ लगे हुए हैं और कई थानों की फोर्स है और कई सीओ वगैरह से अधिकारी पुलिस के सब लोग ये लगे हुए हैं। कोई भी यहाँ किसी को भी अंदर जाने की अनुमति नहीं है। तो आप देखिए कई जिलों की फोर्स यहाँ पर मौजूद है, अभी तक इससे पहले मजिस्ट्रेट महोदया भी यहाँ पर पहुंची थी। अगर अधिकारियों की बात करते हैं तो यहाँ पर कौन कौन से अधिकारी भी मौके पर पहुंच रहे हैं और मीडिया को अंदर जाने से क्यों रोका जा रहा है? लगातार बैरिकेटिंग करके मीडिया की एंट्री पर बैन कर दिया गया, कल तक फिर भी मीडिया कर्मचारी कई परिवार वालों तक पहुंच चुके थे और परिवार वालों को जो बयान देने का मौका था वो भी मिल रहा था, लेकिन आज सुबह से ही इतनी दूरी क्यों मनाई जा रही है? ये कल एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें जिलाधिकारी महोदय ने परिवार को धमकाते नजर आ रहे थे कि मीडिया आज है कल नहीं रहेगी। जब ये वीडियो वायरल हुई तो उसके बाद जिलाधिकारी ने 3 घंटे के लिए थाने में बंद हो गए और अपने केबिन में बैठकर मीडिया कर्मी जब उनसे पक्ष जानना चाहा तो उन्होंने नहीं कहा। उससे बाद से लगातार मीडिया कर्मी से संपर्क करना चाहा लेकिन वह कोई नहीं रह रहा है। जब परिवार की बात करें तो परिवार के एक व्यक्ति अभी आज ही एक बच्चा घर से निकल के आया था खेतों के रास्ते से, जिसने बताया था कि उसके परिवार जैसा उसका कहना है कि उसके परिवार के सारे लोगों के मोबाइल फोन छीन लिए गए हैं और किसी को भी अंदर नहीं बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं प्रशासन अपनी कुछ कमियां हैं उनको छुपाने के लिए ऐसा कर रहा है। ऐसी क्या कमियां हैं जो बच्चा जिसका आप जिक्र कर रहे हैं जो बाहर निकला था शुभम, उससे आपकी कोई बातचीत हुई? ऐसा क्या छुपाया जा रहा है और क्या परिवार को बंधक बनाया जा रहा है? ये कौन सी बात हुई कि फोन तक उनके छीन ले गए हैं? ये अधिकार किसने दिया पुलिस कर्मचारियों को? को भी धक्का मार गया था और आज जब वो बच्चा घर से निकल के आया, जैसा बच्चा का कहना है कि उसके घर वालों ने उसको भेजा है और कहा था कि मीडिया वाले बाहर होंगे उनको बुला रहा हूँ, हम तो बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है, हम उनसे बात करना चाहते हैं लेकिन प्रशासन जो पुलिस कर्मी है वहाँ पर रूबरू हो रहे थे, अपनी बातें मीडिया से रख रहे थे और सब लोग देख रहे थे, लेकिन आज और कल से ही मीडिया पर पाबंदी लगा दी गई है और आज तो बिल्कुल पाबंदी लगा दी है। जो मीडिया कर्मी अंदर घुसने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनको भी नहीं घुसने दिया गया। इसके अलावा कुछ और खास बातें अभी तक निकल कर बाहर आ पा रही है क्या शुभम? चलिए आवाज नहीं पहुंच पा रही है शायद, बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। देखिए शुभम हमारे सहयोगी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा कि किस तरीके से वहां पर पीएसी के जवानों को भी तैनात किया गया है, एक्स्ट्रा फोर्स बुलाई गई है, बाकी के अन्य जिलों से भी वहां पर फोर्स तैनात की गई है क्योंकि जिस तरीके से वहां पर लोगों के पहुंचने का सिलसिला लगातार जारी है, कई राजनीतिक लोग भी पहुंच रहे हैं यहां पर, जो कई और सोशल एक्टिविटीज में लगे रहते हैं सोशल वर्कर्स वो भी यहां पर पहुंच रहे हैं, गाँव के भी ग्रामीण हैं जो लगातार अब विरोध कर रहे हैं इस कार्रवाई का, इस तरीके का। खबर लखनऊ से है, अंबेडकर प्रतिमा के सामने समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन, सैकड़ों की तादाद में सभा के कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन, हजरतगंज चौराहे पर भारी पुलिस बल इस वक्त तैनात है, कई सपा कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। समाजवादी पार्टी की ओर से लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और जगह जगह पर लगातार सरकार के खिलाफ में नारेबाजियां की जा रही है और पुलिस की जो कार्रवाई है उसके खिलाफ में भी लगातार विरोध किया जा रहा है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कल लाठियां भांजी गई थी लखनऊ के अंदर ही, उसके बाद से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में और ज्यादा रोष बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता नीलेश चौहान की जरा एक खास रिपोर्ट देखिए। पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के आह्वान के बाद गांधी जयंती के अवसर पर हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हजरतगंज चौराहे पर उतर आए हैं। आप देख सकते हैं कि तस्वीरों में किस तरीके से ये महिला समाजवादी पार्टी की कार्यकर्ता है जिनको पुलिस रोकने का प्रयास कर रही है, हालांकि इनकी तरफ से कहा जा रहा था कि
लिए गांधी प्रतिमा पर पहुंचकर पुष्प अर्पित करना चाहती हैं। दूसरे ओर की आपको तस्वीरें दिखाएं तो दूसरे ओर जहां तक आपको दिखाई देगा वहां तक सिर्फ और सिर्फ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता ही नजर आएंगे। चारों तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का जमावड़ा है। हालांकि रोज गुलजार रहने वाला, हजारों गाड़ियां इस चौराहे से गुजरती थी, लेकिन आज चौराहे को चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया गया है। जिस तरीके से समाजवादी पार्टी के हजारों की संख्या में कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं, उस हुजूम को रोकने में कहीं ना कहीं पुलिस के हाथ पांव फूलते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल ये कहा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश में पिछले 3 सालों के बाद एक साथ में विपक्ष एक स्वर में सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलता हुआ नजर आ रहा है। पिछले 24 घंटों की बात करें तो हजारों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है, फिर भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं में जो जोश है वो सड़कों पर नजर आ रहा है। देखने वाली बात यह होगी कि शाम तक कितने कार्यकर्ताओं को पुलिस हिरासत में लेकर इको गार्डन छोड़ती है या जेल भेजती है। कल के प्रदर्शन की बात करें, आपको दिखाना चाहेंगे कि बस के अंदर जो पुलिस की बस है उसमें जिन कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेकर बंद किया गया है, इधर दिखाएंगे आपको कि इधर दिखाएंगे कि अफरा तफरी का माहौल है और लाठी के दम पे जो पुलिस है वो कार्यकर्ताओं को बस के अंदर बैठाने, और ये देख सकते हैं आप तस्वीरों में साफ है कि किस तरीके से यहाँ पर चौराहे के चारों तरफ भगदड़ मची हुई है। फिलहाल ये कह पाना बड़ा कठिन होगा कि कब तक समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चौराहों पर प्रदर्शन करने से पुलिस रोक पाती है। लखनऊ से न्यूज़ वन इंडिया के लिए नीलेश चौहान। सपा कार्यकर्ताओं के आगे बेबस है इस वक्त पुलिस, सड़क पर घसीट घसीट कर हिरासत में लिया जा रहा है। पुलिस ने कार्यकर्ताओं पर लाठी चार्ज भी किया। कल की भी तस्वीर आपने देखी और आज की तस्वीर भी आप देखिए, समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनका जो इस बार जोश है, जो आक्रामकता है इस पूरे मामले को लेकर, वो देखते बन रही है। संवेदनशील मुद्दा है और दूसरी बात ये कि आम तौर पर अगर इस तरह के मुद्दों को लेकर विपक्ष लामबंद ना हो तो फिर ऐसे लोकतंत्र का फायदा ही क्या। कुल मिलाकर लोकतंत्र में विपक्ष की ताकत इस बार देखने को मिल रही है। जब इस तरह का विषय जिस पर पुलिस महकमा पूरा जोर आजमाइश इस बात को लेकर कर रहा है कि किसी भी तरीके से सच सबके सामने ना आ पाए, शायद यही वजह है कि पुलिस महकमे ने अब घर वालों को ही बंधक बना लिया है। ये बंधक बनाने से शब्द का इस्तेमाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि परिवार के ही एक सदस्य ने बाहर आकर बताया कि उनके फोन तक छीन लिए गए हैं। आखिर ऐसा क्या है? और डीएम का वो बयान, डीएम का वो जो तरीका था बातचीत करने का, इसमें परिवार वालों को धमका रहे थे, आखिरकार उसके मायने क्या निकाले जाएं? आखिरकार ऐसा क्या है इस पूरे मामले में? आखिरकार ऐसा कौन सा दबाव है जिसके कारण से इस तरीके से पुलिस महकमा बर्ताव कर रहा है बिना किसी ऑफिशियल लेटर के? मीडिया कर्मियों को रोका जा रहा है परिवार वालों से मिलने के लिए, विपक्ष को रोका जा रहा है, इतनी क्या तकलीफ है? दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी लगातार सड़कों पर है, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार पुलिस के लिए मुश्किलें बढ़ा रही है। आप देखिए किस तरीके से घसीट घसीट कर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को सड़कों पर से हटाया जा रहा है, लेकिन समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भी डटकर वहीं खड़े हैं। खबर बस्ती से है क्योंकि अब पूरे देश में, उत्तर प्रदेश में खासतौर पर, लगातार सड़कों पर कार्यकर्ता हैं, लोग हैं, हाथरस कांड को लेकर सड़क पर उतरे हैं कांग्रेस। बस्ती छावनी के 55 NH पर कांग्रेस का भी प्रदर्शन, काफी मशक्कत के बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हाईवे से भगा दिया। पुलिस से प्रदर्शन कर रहे दर्जनों लोगों को हिरासत में लिया। छावनी के 55 नेशनल हाईवे का ये पूरा का पूरा मामला है। तस्वीरें देखिए, यहाँ पर भी पुलिस को काफी कसरत करनी पड़ रही है। सपा कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन कानपुर में, हाथरस कांड को लेकर समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन लगभग हर जिले में लगातार जारी है। सपा नेताओं ने यहां पर मौन धारण किया और विरोध जताया। सपा कार्यकर्ताओं ने कानून व्यवस्था पर सरकार को जमकर घेरा है। लोकतंत्र की हत्या और ऐसे अपराधियों को फांसी दो जैसे हाथों में बैनर लिए लोग आपको नजर आएंगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता हैं जिन्होंने मौन धारण किया है और मौन धारण कर ये लोग विरोध जता रहे हैं। आज जैसा कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मदिवस है और हम चाहते हैं कि पूरे देशवासियों को शुभकामना देते हैं कि इन पूर्वजों की मेहनत से हम आज आज़ादी से घूम रहे हैं और उन्होंने जो सपना देखा था इस हिंदुस्तान का, वो चूर चूर हो चुका है। क्योंकि बेटियां आज के दौर में इस बुरी मुसीबतों से गुजर रही हैं। जैसा कि आपने देखा हाल ही में, हमारी बेटी मनीषा, हमारी बहन, जिसके साथ
गैंग रेप हुआ और उसके बाद उसकी हत्या हो गई और वो हत्यारे आज भी ऐसे ही घूम रहे। हम चाहते हैं उनको फांसी दी जाए और गांधीवादी तरीके से हम लोग आज यहाँ पर मौन धारण करे हुए हैं ताकि उनको सजा मिले। और आनंद तिवारी हैं हमारे साथ, मेरे सहयोगी आनंद। यहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौन धारण कर, क्योंकि आज गांधी जयंती है और इस मौके पर अहिंसावादी तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा है, कौन कौन सी मुख्य बातें समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता यहां रखते नजर आए? देखिए मैं बताना चाहूंगा, जिस तरीके से कानपुर में या कानपुर के अलावा कई अन्य जनपदों में पूरे उत्तर प्रदेश में इस घटना को लेकर के जिस तरीके से आक्रोश है, वहीं आज गांधी जयंती के अवसर पर सपा के जो नेता है, सपा के जो महिला मोर्चा के नेता है, महिलाएं हैं, उन्होंने मौन धारण करके गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश की योगी सरकार को एक सीख देने की कोशिश करी है, पहल की है कि हम मौन धारण करते हुए आपको एक संकेत देना चाहते हैं कि किस तरीके से उस लड़की की हत्या हुई, किस तरीके से रात में उसको 2 बजे जला दिया गया, बावजूद उसके सरकार को सारी चीजें पता है, मीडिया को प्रतिबंधित किया जा रहा है। एक और सरकार के कुछ लोग बोलते हैं कि मीडिया वहां पर जा रही है, लेकिन मीडिया को वहां किस तरीके से जो है प्रतिबंधित कर दिया गया है। तो ये सारी चीजें जो है प्रदेश सरकार के खिलाफ ये मौन धारण कर एक संकेत देना चाहते हैं कि आपकी सरकार में किस तरीके का जंगल ला चल रहा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। चारों तरफ प्रदर्शन लगातार चल रहा है, एक तरफ समाजवादी पार्टी है तो वहीं दूसरी तरफ मेरठ में कांग्रेस का प्रदर्शन रहा। हाथरस कांड को लेकर कांग्रेस का भी प्रदर्शन लगातार जारी है। कल तो खुद राहुल और प्रियंका ने मोर्चा संभाला। और केके हमारे साथ, हमारे ब्यूरो चीफ जुड़ चुके हैं। केके, कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार जारी है, कल खुद सड़कों पर प्रियंका और राहुल थे और आज कांग्रेस के कार्यकर्ता लगातार सरकार के खिलाफ लामबंद है। केके जी, पूजा मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर मेरठ कमिश्नरी में ये सांकेतिक धरना शुरू हुआ है कांग्रेस का। जी मेरे पीछे इतने कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और ये पूरे दिन का धरना है। पुलिस ने भी यहाँ पर मोर्चा संभाल रखा है। यही बराबर में सपा का एक 2 घंटे का सांकेतिक धरना हुआ था। यहाँ पर जितने भी कांग्रेसी हैं उन्होंने एक ही मांग उठाई है कि लोकतंत्र को क्यों कुचला जा रहा है। कल जो राहुल गांधी के साथ बर्ताव हुआ था उसकी ये लोग चिंता व्यक्त कर रहे हैं। वहीं पर जो बच्ची है मनीषा, उसके साथ जितनी हिंसा हुई है उसको लेकर ये सब लोग यहाँ पर 2 अक्टूबर को धरने में बैठे हैं। यहाँ पर अभी तक काफी सारी भीड़ थी, लेकिन जैसे जैसे धरना समाप्ति की तरफ चलता जा रहा है वैसे वैसे यहाँ से लोग जाते जा रहे हैं। यहाँ पर कांग्रेस के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिसमें अवनीश पाजला थे और दूसरे भी हैं, और सपा के कुछ नेता प्रभुदयाल वाल्मीकि जो हस्तिनापुर से सपा के पूर्व विधायक है, वो भी यहाँ पर शामिल हुए, क्योंकि बात वाल्मीकियों की बेटी की है। सफाई कर्मचारी भी यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। इन सब लोगों का कहना है कि जिस तरीके से इस मामले को डील किया गया है, जिस तरीके से रातों रात चिता जलाकर परिवार को उनके अधिकारों से महरूम किया गया है, उसका ये लोग जबरदस्त विरोध कर रहे हैं और कहा है कि लोकतांत्रिक तरीकों का जो हनन किया जा रहा है उसी के खिलाफ ये सब लोग धरने पर बैठे हैं। चलिए बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल पूरी जानकारी के लिए। मेरठ में 7 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, पड़ोसी युवक ने ही बच्ची से रेप किया, बच्ची को घर के अंदर ले जाकर उसके साथ रेप हुआ, मोबाइल की टॉर्च दिखाने के बहाने युवक घर में ले गया, बच्ची के साथ दुष्कर्म कर आरोपी फरार है। पुलिस ने आरोपी को अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। थाना लिसाड़ी गेट के फतेहुल्लापुर रोड अलीबाग इस्लाम नगर की वारदात है। बिकरू कांड जुड़ी इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, कानपुर पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की है चार्जशीट में 36 लोगों के नाम शामिल है। 1700 पन्नों की यह चार्जशीट है जिसको दाखिल किया गया है। पुलिस ने तत्कालीन एसओ विनायक तिवारी दरोगा पर भी आरोप तय किए। चार्जशीट में पुलिस अपराधियों के बीच संबंध का भी खुलासा हुआ है। बिकरू कांड को कौन भूल सकता है, बिकरू कांड जिसने पुलिस की कलाई खोलकर रख दी, जिसने बताया कि कैसे कई पुलिस कर्मचारी अपराधियों के साथ हाथ मिलाकर कानून की रक्षा करने की बजाय ऐसे अपराधियों का झंडा बुलंद करने पर ज्यादा काम करते हैं, कैसे अपनी जेबें भरने के लिए ये संरक्षक जनता के नहीं बल्कि संरक्षक इन अपराधियों के हो जाते हैं। ऐसे ही पुलिस कर्मचारी
जिनके खिलाफ में आरोप तय हो चुके हैं, उनके खिलाफ चार्जशीट तैयार हो चुकी है और इस चार्जशीट को दाखिल किया गया है। 1700 पन्नों की यह चार्जशीट, जिसमें पुलिस ने तत्कालीन एसओ विनायक तिवारी और दरोगा पर भी आरोप तय किए हैं। ये वही विनायक तिवारी है जिनकी भेंट चढ़ गए थे वो 30 पुलिस कर्मचारी।